साथियों राम राम। मैं आज आ गया हूँ यहाँ पे मेहरौली रोड पे, मेहरौली बदरपुर रोड पे, तुगलकाबाद गांव के बाहर। यहाँ पे मुझे एक बल्ले पापड़ी वाले दिखाई दिए हैं और मुझे इनके बारे में किसी ने बताया नहीं था, तो मैं रुक गया इसीलिए। तो मुझे लगा कि आज इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए, इनके माल के बारे में भी आपको दिखाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका माल देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये है इनकी टिक्की, टिक्की है ना, और ये है इनका छोटा सा, छोटी सी दुकान जो ये रिक्शे पे, जो ये रिक्शे पे चलाते हैं, यादव जी के दही बल्ले पापड़ी। तो ये इनका रेट भी लिखा हुआ है, हाफ जो है 20 रुपये की और फुल जो है 30 रुपये की। तो यादव जी, क्या है आज आपके पास? बल्ले पापड़ी। दिखाओ जरा बल्ले पापड़ी कैसे हैं, जरा हमारे लोग भी देखें। ये आपके बल्ले हैं, ये देखिए साथियों, बल्लों में भी बर्फ लगाई हुई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और क्या अच्छा, 25 ईयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगाते हुए कितना टाइम हो गया? 25-26 साल इसी जगह पे लगाते हुए, या काम करते हुए हो गए? काम भी करते हुए और लगाते हुए भी इसी जगह पे। इसी जगह पे बहुत बढ़िया। भाई इतने से थे जब यहाँ पे आए थे गाँव से, हमारे क्या नाम है इनका? नाम किशन है। बढ़िया बना था, बढ़िया बना था। भाई के एक बार खा के जाओ, हाँ गाँव में स्टैंड पे आके, हाँ दोबारा जरूर आओगे, दोबारा जरूर आओगे। तो ये है हमारे किशन भाई जो ये यहाँ पे चलाते हैं, किशन यादव जी। तो ये यहाँ पे चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया यादव जी आपको यहाँ चलाते हुए? इसी जगह पे। ओके ओके, ये देखिए 25-26 साल हो गए। और दिखाइए और क्या क्या है आपके पास माल? ये देखिए, ये चटनी है, ये कौन सी चटनी है? मीठी चटनी। ये कैसे तैयार करते हैं? खटाई की होती है। और ये देखिए, ये है हरी चटनी, ये देखिए कितनी गाढ़ी हरी चटनी है, ऐसा नहीं है पानी पानी है, कितनी गाढ़ी है। और दही दिखाइए आप, दही कैसी है आपकी? ये देखिए भाई दही, ये क्या बढ़िया दही है, ये देखिए क्या गाढ़ी दही है, क्या बढ़िया दही है, ठंडी दही है, एकदम मटके में देते हैं। और इसमें क्या है? इसमें पानी है, खट्टा पानी है। ये देखिए, ये है पानी जो आप जलजीरा जो आप खाने के बाद पीते हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। मुझे यहाँ के बारे में किसी ने बताया था, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जाते हैं, इसीलिए मैं रुक गया यहाँ पे आपके पास। आप यहाँ पे बल्ला पापड़ी खा रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहुत ही अच्छा बनाया हुआ इन्होंने, और मैं 2 प्लेट खा चुका हूँ, एक टिक्की की, एक बल्ले पापड़ी की। अच्छा, और यहाँ पे साफ सफाई का भी काफी अच्छा ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो आप अक्सर इनके पास आते हैं? हाँ, मैं आता रहता हूँ, मैं आता रहता हूँ बीच बीच में, और अच्छा। संडे है तो मतलब बच्चों के साथ। तो टेस्टी लगता है इनका कुछ? बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा है और साफ सफाई भी अच्छी है इनमें। तो यादव जी, हमारे लिए भी लगाइए प्लेट, हम भी देखें कैसा स्वाद है, और मैं भी आपको बता सकता हूँ इनके स्वाद के बारे में। तो साथियों, ये जो इनकी जो दुकान है, ये बदरपुर और मेहरौली जो रोड है उसके बीच में जो तुगलकाबाद गांव पड़ता है, ये उसी के बाहर खड़े रहते हैं। अगर कोई यहाँ बस स्टैंड पे, तो अगर कोई यहाँ पे खाने आना चाहे तो इस एड्रेस पे तुगलकाबाद गांव के बाहर आ सकता है। अच्छा, टूरिस्ट सब यहीं पर ही आते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए ये है वो प्लेट जो इन्होंने मुझे लगा के दी है, ये बल्ले पापड़ी की प्लेट है। ये देखिए क्या प्लेट है, ऊपर से इन्होंने दाल से भी डाल दिए हैं। इसको जरा टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, मैंने भी अपनी प्लेट ले ली है और मैं भी इसकी बाइट लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट मुझे आ रहा है। आप भी कभी आइए और देखिए, मुझे इनके टेस्ट में चटनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वाकई माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया है साथियों। वैसे तो सभी बनाते हैं, सबका अपना अपना हाथ होता है, अपना अपना जायका होता है, मुझे इनका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी आप भी आइए इस तरफ से, आप जब निकलते हैं तो इनसे इनके बल्ले पापड़ी इसका स्वाद लेते हुए आप भी जाइए। क्या कह रहे हो आप? बिना पानी के दही बल्ले बेकार है। बिना पानी के दही बल्ले बेकार है। हाँ। तो आपको स्वाद जो आता है इनके पानी में आता है? पानी में आता है, बिल्कुल पानी में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये देखिए ये पानी का लुत्फ लेते हुए, तो साथियों मेरा भी दही बल्ले ख़त्म हो गया और मैं भी अब इनके पानी का लुत्फ लेता हूँ, पानी टेस्ट करता हूँ वही बताता हूँ। बहुत ठंडा पानी है, बढ़िया पानी है, स्वाद में भी बढ़िया है, जीरा और हरी चटनी है, बहुत तरह के स्वाद आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, आप खुद इसका स्वाद लीजिएगा कभी यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया। तो साथियों ये था मेरा यादव जी के दही बल्लों का छोटा सा रिव्यू आपके लिए कि इनका स्वाद कैसा है। मुझे वाकई इनका स्वाद अच्छा लगा, कभी आप भी आइए यहाँ पे और देखिए। जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने भी आपको वही बताया कि अच्छा है, बढ़िया है, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उन्हें दिल से थैंक यू है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।